सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रमजान स्पेशल में मैकरोनी चना चाट बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ आपने एक और इम्पोर्टेंट काम करना, वो ये कि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है आपने उसको साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपका व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का ग्रुप है उस पर लाजमी शेयर करना है। इससे हमें मजीद आपकी लव और सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं मैकरोनी चना चाट किस तरह बनाते हैं। इसके लिए जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये हैं कि हमने एक कप के करीब जो है मैकरोनी को बॉईल कर लिया है सिंपल नमक डाल के। एक कटोरी जो है हमने चने लिए हैं वो भी मैंने बॉईल कर लिए हैं नमक डालकर। एक कटोरी जो है हमने आलू उबले हुए लिए हैं जिनको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है। और इसके साथ हमने थोड़ा सा इमली का सिरप बनाया है। सिंपल आपने क्या करना है, थोड़ी सी इमली ले लेनी है, तकरीबन आधा पाव से भी कम, और उसको थोड़े से आधा कप पानी में इसको डालकर आपने भिगो देना है 2 से 3 घंटे के लिए। जैसे आप इसको भिगोएंगे तो इसके पल्प और जो गिटके हैं वो अलग हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा सिंपल जो इमली का सिरप है वो रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करना है, मैंने आधा चम्मच लिया है। चाट मसाला आधा चम्मच, आप किसी भी अच्छी कंपनी का चाट मसाला यूज कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटी प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली है। टमाटर हमने लिया उसको भी चॉप कर लिया, और एक हरी मिर्च मैंने ली है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए अब सारी चीजों को हम मिक्स करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया, उसके अंदर ये चने शामिल करूंगी, आलू, मैकरोनीस के अंदर डाल रही हूं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला आधा चम्मच। अब हम इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर इमली का जो पल्प है या सिरप वो हमने बनाया इसके अंदर शामिल करूंगी। मैं जो इमली है वो पल्प समेत इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको गुठलियां निकाल के भी यूज कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और मैंने लास्ट पर इसको टमाटर और सब्ज मिर्च से गार्निश कर लिया है। इसके साथ ही आज की हमारी मैकरोनी चना चाट की रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसको घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।